हर साल 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना है, लेकिन फिर भी कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से ब्रेस्ट, मुंह और फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या ज्यादा है। वहीं 2040 तक कीमोथेरेपी की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या 1.5 करोड़ हो जाएगी। हालांकि कैंसर के सही कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शोध बताते हैं कि अनियमित दिनचर्या सबसे बड़ा कारण है। अगर जीवन शैली में कुछ बदलाव किया जाए तो कुछ हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ आहार और नियमित एक्सरसाइज करना। जो ओरल कैंसर है उसमें हम मुंह के अंदर जीभ और ये गाल और इन सब के कैंसर को इंक्लूड करते हैं, ऊपर तलवा। तो अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है जिसमें हम उसकी सर्जरी करके वापस उसको नॉर्मली रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ तो सर्जरी इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। जिस कंडीशन में डिजीज इतनी बढ़ जाती है कि सर्जरी नहीं हो पाती है, देन उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर, अभी जो आंकड़े हैं, जैसा कि डॉक्टर नवीन शर्मा ने बताया आपको कि जो कैंसर्स हैं वो ओरल कैविटी और लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजिंग में है। सर्विक्स कैंसर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसकी अगर अवेयरनेस की बात करें तो अगर हम जनता को सिर्फ इतना बता पाएँ कि जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, एल्कोहल, स्मोकिंग और जो गुटखा है, उससे कम हो सकता है। सर्विक्स कैंसर है उसमें तो अपना स्वच्छ भारत मिशन, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो डिपेंड करता है शरीर के किस भाग में कैंसर है। अगर मुंह का कैंसर है, मैं मुंह के कैंसर की बात करूं, सबसे कॉमन जो इंडिया में है, तो मुंह में छाला होगा जो ठीक नहीं हो रहा है। ब्रेस्ट में दर्द होना, नहीं होगा, कहीं से भी रक्त स्राव होना जो ठीक अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, 2-3 दिन में बंद नहीं हो रहा है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट में कोई गांठ है, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सब